हरियाणा की बादली विधानसभा सीट पर इस बार भी मुकाबला बेहद कड़ा है। यहां मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स की टक्कर बीजेपी के ओपी धनखड़ से है। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा बादली विधानसभा सीट के कासनी गांव पहुंची, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए कैसे दोनों के समर्थक तीखी बहस पर उतर आए। चुनावी माहौल जानने के लिए फिलहाल हम लोग मौजूद हैं यहां पर झज्जर के कासनी गांव में। काफी लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, युवा भी हमारे साथ हैं। सबके विचार क्या कुछ हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, उनको जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्या उनके मुद्दे रहेंगे इस बार 2024 में विधानसभा चुनाव में, जब अपने मत अधिकार का वो इस्तेमाल करेंगे तो बात करना चाहेंगे। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे चुनावी माहौल फिलहाल बादली विधानसभा सीट पर क्या देखा जा रहा है। ताऊ राम राम, चुनाव प्रचार चल रहा है, आखिरी चरण का प्रचार है, महज कुछ दिन बचे हैं जब मतदान होगा और सभी पार्टियों ने जोर लगाया हुआ है, कैसा कुछ माहौल देखा जा रहा है? हम तो ऊपर का धनखड़ जताएंगे। सीधा कह रहे हो? सीधा। मतलब आपने कोई मुद्दे तो सोचे होंगे? मुद्दा उससे बढ़िया और कोई पार्टी है ही नहीं, सारा बढ़िया काम कर रहा है। आप कह रहे हो कि पार्टी कोई और बढ़िया नहीं है, लेकिन आप ओम प्रकाश धनखड़? हाँ, ओम प्रकाश धनखड़ से बढ़िया है नहीं, यहाँ कोई हमारा भाई है धनखड़ है, हम तो इसको जताएंगे। आप कह रहे हैं हमारा भाई है धनखड़ है, तो धनखड़ है, महज गोत्र पे ये मतदान होगा या फिर गोत्र पे? क्यों, काम पे होगा, काम कर रखे हैं अगले ने, पानी ला दिया हमारे गांव के अंदर, पानी नहीं था 25 साल से, डिग्गी बनी हुई थी, इसने यो ले आया ओम प्रकाश धनखड़, 1,60,00,000 रुपए दे गया था, लोह की पाइप दबाई वैसे मिट गई, दबा कर दिए। ओम प्रकाश कह रहा है जी, सीधा कह रहे सीधा जी, ओम प्रकाश की अजीतता का जी। अभी तक जितना मैंने चुनावी माहौल टटोलने की कोशिश करी है, चाहे हम पानीपत में हो, सोनीपत में हो या करनाल में हो, वहाँ पर लोगों की खासियत यही है कि मैं पूछती हूँ कि माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, वो सीधा बता देते हैं हम किसको चुनेंगे, ये साफ तौर पर देखा जाता है। दादाजी राम राम। राम राम बेटा। आपने तो कई सारी पार्टियां आई गई देखी हैं, कई वादे भी चुनावी सुने हैं, क्या कुछ माहौल अब देखा जा रहा है? पहले तो ये बताइए कि राजनीति कितनी बदल गई है पहले के समय की और अब की? ये बदल गई। कैसे वो बदली? वो पहले बदली, अब मतलब धनखड़ का हमारा का धनखड़ बनाएगा, धनखड़ की देंगे लाठी ही, लाठी से, लाठी से धनखड़ की देंगे। हाँ जी, कती बनावा करती बेटा, डंके की चोट पे। हाँ जी, मुद्दे? मुद्दा तो ये ऐसे पानी का हो गया है, यो पानी आ गया, खास तो यो है हमारा, और मंडी का हो गया, या भी मैं होगी कि दूर से दो कोस पर हमारे लिए तो यही है। सोलर किरण की प्लेट दवाई, हर एक गांव के अंदर पार्क बनवा दिए, इन्हें करवाया के था, इन्हें करवाया के था कांग्रेस ने, एक तो बता दो कोई चैलेंज है मेरा, कोई बता के दिखा दो किसने ये करवाया था कांग्रेस ने। बीजेपी जीताई जी, कांग्रेस वाला साफ झूठ बोल रहे हैं, 90% वोट से। तो चलिए रुक करेंगे इधर, आपका आपको क्या कुछ चुनावी? हमने तो बादली विधानसभा में यही लग रहा है, धनखड़ का ही लग रहा है हमने ज्यादा जोर, तो क्योंकि हमने गांव में घूम फिर के देखा है तो यही जोर लगा है ज्यादा ज्यादा। और वैसे देखो हर गांव में हर तरफ से होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफा है इलेक्शन, तो ऐसी बात नहीं है कि सारी पूरे गांव की ऐसे जाएंगी, लेकिन एक तरफा नहीं है। दादा राम राम, सुनाई देवा दादा? हाँ सुनाई दे बेटा। दादा उम्र क्या हुई? उम्र 82 साल होगी। 82 साल की उम्र है दादा की, और जितना चुनावी अनुभव इनको हो सकता है उतना किसी को नहीं हो सकता है, अनुभव यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। दादा राजनीति घनी बदल गई? राजनीति के बदल गई, सारा काम बदल गया बेटा। किस तरह दादा? सारा काम करवा दिया ओम प्रकाश धनखड़ ने, पानी मारा डाता ही भरा था यो कटवा दियो, पानी नहर को आवे पानी पै दियो, फिर मारा बालक कामयाब कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा दादा बीजेपी ने क्या है, हम बिना पर्ची खर्चे के नौकरी देवा, बालकन नौकरी मिल रहा है सरकारी? हमारा गाँव में कभी 5-10 साल में 36 बालक लाग लिया, बिना बालक बिना पैसे, बिना पैसा बिना सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो सरकार मतलब बीजेपी के वादे पूरे कर रही हो? कहो बढ़िया सरकार से, और पूरा सहयोग करांगा, पूरी वोट देंगा, मतलब कम से कम 70% का है वोट, एक एक वोट तो जाए नहीं करें, 50-70% वोट दे देंगे। कह रहे हैं कि सारे गांव की वोट एक तरफ तो जाया नहीं करें, पर इतना बता रहे हैं कि 50-70% तो एक तरफ जाओगे जाओगे, ये साफ तौर पे कहे। दादा राम राम। राम राम बेटा। दादा के कुछ माहौल लग गए?
ठीक माहौल है जी, ओम प्रकाश बनेगा। कोई मुद्दे ऐसे कौन से काम है जो कांग्रेस, अभी तो देखो कुलदीप वत्स जो हैं उनको जिताया पिछली बार, ऐसे कौन से काम है जो नहीं हुए? वो तो कम करी हुए कोई नहीं, कुलदीप वत्स ने तो कौन से काम ना हुए, कोई सब ना हुए, एक भी कदे गांव में ना आने की चाल ले। अच्छा, कासनी गांव में कभी नहीं आए? ना, वही भी तो आंड है रिपोर्ट मांग, तो उससे पहले ना कदे नहीं आयो। तो जी हम तो सुन रहे हैं कि कुलदीप वत्स जो हैं वो तो लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दादा कह रहे गांव में नहीं आते। बेटा हमारा एरिया केना है 50 साल पीछे गाल दिया कुलदीप वत्स ने, ओम प्रकाश हराने से 50 साल पीछे गए हम। 50 साल पीछे? हाँ पीछे गए बेटा, जो ओम प्रकाश कर गया वो कर गया, इसने कुछ नहीं करा हमारे एरिया में, और ना के मैं गांव में आया ना के मैं ग्रांट दिया, कुछ नहीं करा। हाँ बेटी हम तो धनखड़ का है। हाँ सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, और कासनी गांव के सरपंच साहब हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपके ऊपर तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं गांव के विकास को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो मैम धनखड़ साहब का काम बोल रहा है, जो इस गांव में विकास उसने कर दिया, ये देखो धनखड़ साहब का हाथ में कोई पावर नहीं है, एक राष्ट्रीय सचिव है खाली, उसके बावजूद भी न्यू लगा लियो फल्ट का पानी थी, हमारा गाँव इतना दुखी था आड़ाता ही पानी भरा रहता, हर साल की बात थी ये नहीं जी कोई एक साल बरस गया ना, हर साल तो आपने शान देख लो बीता पर लग रहा होगा, 8.5 करोड़ रुपया का बजट, जैसे 2-3 बार फाइल कैंसिल कर दी भाई, उन के तो पता नहीं होगा भाई काशनी गाँव भाई धनखड़ का हल्का लग गया है इसकी वजह थी, धनखड़ साहब द्वारा फोन करवाया 8.70 करोड़ रुपया का पानी का जो फल्ट का पानी था उसकी निकासी के लिए दिया जी, तो वो काम अपना जारी है जी चल रहा है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि उस टाइम पे क्या हुआ, अभी 2019 से कुलदीप वत्स जो हैं वो आपके विधायक हैं, तो आप सरपंच हैं गांव के, क्या कुछ कुलदीप विधायक के रहते हुए आपने कार्य करवाए विकास? बार कुलदीप वत्स की बातचीत हुई, विधायक था हमारा जी, क्यों सरपंच जोड़ करना था, क्यों मैंने तो बात करनी पड़ी, विधायक थी पूछता मैं, विधायक जी कोई ग्रांट वगैरह कोई हो तो, देखो झूठ नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी उसने कहने के बाद दी 24 लाख रुपया विधायक जी ने हमारा गाँव में दिया है, 2 गली बनवाई 24 लाख गलियाँ बनवाई हैं, एक वो स्कूल के पास की एक परली साइड की। हाँ जी, और धनखड़ साहब ने इतना काम करवा दिया कोई तादाद नहीं, जैसे हमारा पानी की दिक्कत थी पीने वाले की, 2019 से लेके 2024 तक इस गांव में सिर्फ 2 गलियां बनी है, 2 गलियां बनी, उसके अलावा कोई काम ना, और कोई काम, सरकारी स्कूल का निर्माण ना, कोई निर्माण नहीं जी, क्योंकि यहाँ के सरकारी स्कूल को हमने देखा आते हुए काफी खस्ता हाल स्थिति में नजर आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, भी सामने है इसकी भी तस्वीर हमने देखी, ये भी काफी बुरे हाल। सुनो ये गुड़िया इसका ही प्रबंध कर दिया धनखड़ साहब ने, फल्ट का पानी की पाइप दबा दिया, हमने मोटर वगैरह जैसे ही हम लगा दिया, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना कि खत्म होया है, ये लगेगा उसमें शायद फरवरी मार्च तक ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ना तो कोसा जोड़े हम गंदगी रहेगी और ना गलिया हम कितना खर्चा रहेगा। और दूसरा मैटर ये जी हमारा डिग्गी का पानी था, 2 तालाब था हमारा गाँव में जी, उनमें गुड़िया 10-10 दिन पानी चलिया करता, एक तालाब का 10 दिन, गांव में 20 दिन पानी चलता पीने का, उसके बाद हमारा जमीनी पानी है खारिया, हमने डिग्गी में बोरिंग लगा रखा, तो उस खारिया थी हम अपना गांव की पूर्ति करता, बस न्यू चलो भाई जिसा डांगर मानस जिसा पी उसा पी लेता, धनखड़ साहब दौड़ गया 4.20 करोड़ रुपया डिग्गी का, 3 तालाब का मंजूर कर दिया, काम चालू हो गया 4 से पहले, ये फिलहाल वो काम हो रहा है। कासनी गांव के सरपंच साहब हैं जिनको गांव की जनता ही चुन के गद्दी पर बिठाती है और विकास कार्यों की उम्मीद इनसे लगाती है, लेकिन अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनके अंदर कितना कार्य हुआ, क्या उनकी बातें हुई ये उन्होंने बताई है, और क्या उनके आगे की उम्मीदें हैं वो भी बताई है, वो आपने साफ तौर पर देख लिया कि युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपकी सोच थोड़ी अलग निकल सकती है, बड़े बुजुर्गों से दादा ताऊ से हमने बात करी है यहाँ पर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मुद्दे क्या हैं युवाओं के यहाँ। मैम देखो मैं तो अभी बाहर ही रहा हूँ, मैं पेंशन आया हूँ, नेवी से रिटायर्ड हूँ मैम। अच्छा जी, और मैं अभी इनके कार्यकाल में अभी बैंक में ज्वाइन किया है बिना किसी पर्ची खर्चे के, जो आप बोल रहे थे तो कोई पैसा नहीं लिया, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो अपने दम पे ही हो रहा है, पहले क्या रहता था कि भाई फलाने, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 40 ईयर्स है मैम। अच्छा, और मैंने आपको युवा बोल, कोई बात नहीं जी युवा, अब क्या हो गया, फौजी का भी बूढ़ा थोड़ी होता मैडम, ये बात है। तो मैम अभी जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है वो ज्वाइन कर रहा है, ऐसा नहीं है पहले होता था, सिपाही की भर्ती के लिए 10-10, 12-12 लाख रुपए लेके घूम रहे थे लोग, और ऊपर से भी जी का आप सेंटर में देख लो, सेंटर में भी उनका काम बोल रहा है, उन्होंने बहुत काफ़ी मुद्दे हैं, 370 आर्टिकल देख लो, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने हटाई,
अभी यहाँ पे भी हल्के में भी देख लो, हमारे काम में मैक्सिमम जितने काम हुए हैं सरपंच साहब ने बताया। काम के बारे में तो हमने जान लिया आपसे, आप खुद कह रहे हैं आप रिटायरमेंट पे आए हैं, आप ये बताइए अग्निवीर का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा पुलिस में भर्तियां होती हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर आर्मी में लोग जाते हैं। अग्निवीर का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है, जिस पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। हालांकि बीजेपी ने अब अपने घोषणा पत्र में जरूर कह दिया कि अग्निवीरों को 100% वो नौकरी देंगे। मैम अग्निवीर का जो इश्यू था उसमें कुछ डिफेक्ट थे, वो अभी रेक्टिफाई, उस पर रिव्यू बैठा, रवि कमेटी बैठी, उसके कुछ 10-11 पॉइंट है, उन पर भी रिव्यू होगा, उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कमेटी एकदम आती है तो सटीक बैठती है मैम, तो उसमें काफ़ी कुछ इश्यू था, अभी हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे मैम, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही नई कोई भी स्कीम आएगी, डिफेक्ट हर एक चीज़ में रहता है मैम। उम्मीद है कि इससे खामियां हैं, खामियां तो रहती है माँ बाप, कोई भी चीज़ एकदम नहीं आएगी तो उसमें खामियां रहती हैं, सडनली कुछ भी आप लागू करोगे तो खामियां रहेंगी, लेकिन उनको रेक्टिफाई करके अच्छे से हम लागू कर दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए, उसमें क्या बदलाव चाहिए? अब मैम बदलाव कुछ नहीं, तो उसका ट्रेनिंग का कुछ इशू आ रहा था उधर, जो हमने पता किया कि इनकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा, लेंथ ऑफ सर्विस भी बढ़ाई जाएगी उनकी, तो उस पर भी बात चल रही है। बाकी पॉइंट आए मैम उसका तो ज़्यादा हमें भी नॉलेज नहीं है अभी।